आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं GTT ऑर्डर की कि GTT ऑर्डर क्या होता है, इस ऑर्डर का यूज़ हम किस प्रकार से कर सकते हैं और यहाँ से हम स्टॉक को किस प्रकार से बाय कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास कोई डिलीवरी में स्टॉक रखा हुआ है और उसमें हम ऑर्डर लगाना भूल जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास कोई स्टॉक है उसको हम हायर प्राइस पर बेचना चाहते हैं और इसमें हम डेली ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर GTT ऑर्डर का यूज़ करते हैं। या हमें कोई लगता है कि स्टॉक हमें एक नीचे के प्राइस में बाय करना है और हम इसके अंदर डेली ऑर्डर नहीं लगा सकते, हमें पता है कि इसका एक लेवल डाउन साइड में है। सपोज मान लो कि 100 रुपीज़ का स्टॉक है और हमें लगता है कि ये स्टॉक जो है 80 रुपये आ सकता है, 80 रुपये के बाद आने के बाद से इसके अंदर एक अपसाइड का मूव आ सकता है, लेकिन हम इसमें इतना नीचे का ऑर्डर तो लगा नहीं सकते और ये भी संभव नहीं है कि वो जो प्राइस 80 रुपये का वो उसी दिन आ जाए या एक दो दिन में आ जाए। अगर मान लो कि वो प्राइस मार्केट में 2 दिन या 5 दिन बाद आता है और हम मिस हो जाते हैं उस ऑर्डर को लगाने के लिए, तो यहाँ पे एक GTT फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है NJ11 की ओर से, जिसमें आप एक बार ऑर्डर अपना पुट करके यहाँ पे सिस्टम में लगा देते हैं तो जब ये प्राइस आता है तो आपका जो ऑर्डर है अपने आप लग जाता है और इसके बदले में आपके शेयर आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है और इसके साथ ही अगर मान लो कि आपके पास कोई स्टॉक है, सपोज 100 रुपीज़ पर आपके पास कोई डिलीवरी रखी हुई है और आप चाहते हैं कि इसको 150 रुपीज़ पर आप बेचना चाहते हैं, तो 150 रुपीज़ मतलब कि हो जाता है 50% का रिटर्न और 50% पे हमारे इंडियन मार्केट में ऑर्डर लगता नहीं है। अगर स्टॉक नॉर्मल स्टॉक हो या FNO का स्टॉक हो, तो अगर हम यहाँ पे सर्किट लिमिट की बात करते हैं तो जो मिनिमम सर्किट लिमिट है ये 1% से लेकर 20% तक के हमारे पास यहाँ पे सर्किट लिमिट होती है, तो जो 50% की बात हुई तो ये तो सर्किट लिमिट के आगे की बात हो गई। तो इस कंडीशन में हम जो यूज़ करते हैं GTT ऑर्डर का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम एक बार ऑर्डर लगाते हैं तो मार्केट में जब भी वो प्राइस आएगा 5 दिन में 10 दिन में महीने में या 2 महीने या क्वार्टर में जब भी वो प्राइस आएगा तो हमारा जो ऑर्डर है अपने आप स्क्रैप हो जाता है, क्योंकि GTT ऑर्डर में हम एक बार जो ऑर्डर पुट करते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है ये 30 दिन ये 1 साल के लिए वैलिड हो जाता है। यहाँ पे आपका ऑर्डर हर दिन सुबह के 9:15 के आसपास लगेगा और शाम दोपहर में 3:30 पे अपने आप ही ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलेंगी 1 साल तक के जब तक कि आपका ऑर्डर ये स्क्रैप नहीं हो जाता या बाय नहीं हो जाता, तब तक कि आपका ये ऑर्डर अपने आप लगेगा अपने आप कैंसिल होगा। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है जिसका यूज़ करके आप यहाँ पे अपने स्टॉक को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे NJ11 एप्लीकेशन में कि आप किस प्रकार से स्टैंडर्ड टूल का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फैसिलिटी का यूज़ करना चाहते हैं, इस टूल का यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने बेस्ट ऑफर्स के साथ फिर डिमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक को डिस्क्रिप्शन में लगा के रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आज अपना डिमेट अकाउंट NJ11 के साथ ओपन करें और यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें और इस बेहतर टूल का लाभ लें। जैसे कि हम यहाँ पे NJ11 एप्लीकेशन को लॉगिन कर चुके हैं, लॉगिन करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं GTT ऑर्डर की, तो GTT ऑर्डर लगाने के लिए सपोज हमें यहाँ पे कोई भी स्टॉक को जैसे बाय करना है, फॉर एग्जांपल के लिए आप जो भी स्टॉक को परचेज करना चाहते हैं तो आपको मार्केट वॉच में वो स्टॉक को एड करके रखना होगा। जैसे कि हमारे पास मार्केट वॉच में यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक रखे हुए हैं और यहाँ पे अगर हम प्राइवेट बैंक में देखें तो इसमें भी काफ़ी सारे स्टॉक है। आप जो भी स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहते हैं सिंपली उस स्टॉक के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक स्टॉक यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम जो भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं यह स्टॉक सिर्फ एजुकेशन बेसिस पे है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्टॉक को बाय रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं या पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉक बाय एंड सेल करने से पहले आप अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर कीजिए, उसके बाद ही आप किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाइए। तो जैसे कि हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे बाय ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास कितने स्टॉक्स है, हमें कितने स्टॉक बेचने चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले तो मैं आपको सेल के बारे में बता देता हूँ कि सेल किस प्रकार से करना है। तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ और इसमें सिंपली क्लिक करता हूँ, सेल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे इस कंपनी के 100 शेयर्स है, फिलहाल में मेरे पास इसका कोई भी शेयर नहीं है। अगर मान लो मेरे पास 100 शेयर है तो मैं यहाँ पे 100 में ऐसा करूँगा और अभी इसका प्राइस आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें 1,314 रुपीज़ चल रहा है और मैं इसमें GTT ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा स्मार्ट ऑर्डर, तो यहाँ पर आपको स्मार्ट ऑर्डर पर क्लिक करना है। स्मार्ट ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर 2 ऑर्डर देखने को मिलते हैं, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर है एक GTT ऑर्डर। तो आपको यहाँ पे जो GTT वाला टैब है इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे GTT ऑर्डर लगाने के लिए ट्रिगर प्राइस आ जाता है और एक लिमिट प्राइस आ जाता है। आपको यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस है थोड़ा ज़्यादा रखना होता है और जो आपको एक लिमिट प्राइस है वो थोड़ा कम रखना होता है। तो ट्रिगर प्राइस मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि मुझे ये बेचना है 1600 रुपये के प्राइस में, मैं इसको बेचना चाहता हूँ तो मैं इसको 1600 रुपये का प्राइस यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मतलब कि मैं इस कंपनी में 21% का गेन लेना चाहता हूँ और 21% का गेन लेने के लिए मैं इसको सेट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे जो आ रहा है आपका लिमिट ऑर्डर, इसको भी चेंज करना होगा। इसको मैं जैसे चेंज करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको उठा के मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1600 1500
98 कर देता हूँ। 1598 करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि तो आपको यहाँ पे एक मैसेज ऊपर हाईलाइट हो रहा है जो ऊपर लिखा हुआ मिलता है कि नॉन POA क्लाइंट कांट प्लेस सेल GTT ऑर्डर। इसका मीनिंग यह होता है कि अगर आपके ने POA अपने ब्रोकर के पास नहीं दिया है तो इस कंडीशन में आप ये ऑर्डर को प्लेस नहीं कर सकते हैं। इसका कारण क्या है कि POA मीन्स होता है पावर ऑफ अटर्नी। आपको पावर ऑफ अटर्नी जो है ये ब्रोकर के पास देना होगा। इसका फॉर्म आता है, फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा क्योंकि तभी ब्रोकर जो है आपका ऑर्डर को डेली लगाएंगे और डेली कैंसिल करेंगे। उसके पास अथॉरिटी मिल जाएगी आपका ऑर्डर को लगाने की और आपके ऑर्डर को कैंसिल करने की, क्योंकि जब तक अगर आप POA नहीं देंगे तो उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं रहती है। तब अगर आप POA नहीं देते हैं तो आपके पास ये अथॉरिटी रहते हैं, और POA देने का मतलब है कि आपने ब्रोकर की आपको ये अथॉरिटी दे रखी है कि आप उसको कॉल करके बोल सकते हैं कि आपको सौदा लगाना है या सौदा कैंसिल करना है। तो इसी के प्रकार से आप यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। तो सिंपल सी प्रोसेस है जिसको आप यहाँ पे फॉलो करके अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, और यहाँ से आप इसमें अपने अकॉर्डिंग आप ऑर्डर लगा के इसका बेहतर फीचर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों सेलिंग की। अब जैसे कि हम यहाँ पे बाय की बात करते हैं कि अगर हम बाय करना चाहते हैं पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक को, तो बाय करने के लिए सपोज हम यहाँ पे कोई भी स्टॉक को सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन करते हैं, जैसे कि 100 शेयर को हमको लेना है इसमें। और यहाँ पे लेने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर के नीचे आपको एक GTT ऑर्डर का टैब देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है ये 228 चल रहा है और मार्केट में इसका प्राइस जो है 253 चल रहा है। जैसे कि स्टॉक को हमें 10% डाउन पे लेना है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे उसका लिमिट ऑर्डर जो है इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, इसको सेम ही रहने देते हैं सपोज, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी नीचे लेना चाहते हैं इसी प्राइस पे। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट GTT पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का एक मैसेज आता है, इसको आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है जो हमने आपको बता दिया है वही इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होती है, इसको आप पढ़ सकते हो। आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ देखने को मिल जाएगी। इस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल पढ़ने के बाद आप अपना GTT ऑर्डर को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप इस मैसेज को दोबारा नहीं लेना चाहते तो आपको इसको चेकमार्क कर देंगे, अगर लेना चाहते हैं तो अनचेक रहने देंगे। इसके बाद कंफर्म ऑर्डर पर प्लेस करेंगे तो आपके यहाँ पे GTT ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो दोस्तों आपके सामने सिंपल सी प्रोसेस आ जाती है और आपको यहाँ पे ऑर्डर विंडो में देखने को मिल जाता है कि आपका GTT ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है, और जब ये प्राइस 228 आएगा तो आपका ये ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी स्टॉक यहाँ पे अपने बाय करने के लिए रखा है ये टोटली एजुकेशन बेसिस पे है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक को बाय एंड सेल करने से पहले आप अपने एनालिसिस जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई भी स्टॉक को यहाँ पे आप बाय करने के लिए लगा सकते हैं। आप जैसे कि अगर हम इस स्टॉक को कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसके ऊपर थोड़ा टैप करना होता है, इसके बाद कैंसिल बटन पर क्लिक करना है। यस ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपका ऑर्डर जो है यहाँ से कैंसिल हो जाता है। तो सिंपल सी प्रोसेस है, आप GTT ऑर्डर को इस प्रकार से लगा सकते हैं, इस प्रकार से हटा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले नए टेक्निकल एनालिसिस में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।